हेलो गाइस, आज हम इंडिया के यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर भविष्य अग्रवाल जी के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं, जिनकी अलग सोच ने ना सिर्फ उनको करोड़पति बनाया बल्कि लाखों लोगों के लिए ट्रैवल की एक बड़ी प्रॉब्लम को दूर किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे से IIT पास आउट भविष्य माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में काम करते थे, लेकिन वो कौन सा बड़ा कारण था जिसके चलते उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को अलविदा कहा और खुद की एक करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी। आइए जानते हैं ओला कैब कंपनी के फाउंडर भविष्य अग्रवाल जी के बारे में, जिनकी कैब सर्विस 70 से भी ज्यादा शहरों में है, लेकिन खुद के लिए उन्होंने कोई भी कार नहीं खरीदी। भविष्य अग्रवाल जी का जन्म 25 अगस्त 1985 को पंजाब के लुधियाना शहर में हुआ। श्री नरेश कुमार अग्रवाल उनके पिता और श्रीमती उषा अग्रवाल उनकी माता हैं। भविष्य ने मुंबई के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस में बीटेक इंजीनियरिंग की और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में रिसर्च करते हुए जॉब करने लगे। रिसर्च के दौरान ही उन्हें इसके लिए 2 पेटेंट भी प्राप्त हो चुके थे, लेकिन वो इस 9 to 5 वाली सिक्योर जॉब से उतना खुश नहीं थे, क्योंकि उनके अंदर खुद के लिए काम करने का जुनून पैदा हो गया था। वो एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते थे, लेकिन सुरक्षित जॉब ने उन्हें रोक रखा था। साथ ही वो एक सोसाइटी में हो रही प्रॉब्लम्स को लेकर ऑप्शंस देखते रहते थे कि फ्यूचर में सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को लेकर कुछ करना चाहिए। इस बारे में भविष्य खुद बताते हैं कि उनकी कंपनी ओला की शुरुआत उनके खुद के एक ट्रैवल एक्सपीरियंस से शुरू हुई थी, जिसका एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा था। एक बार उन्होंने बेंगलुरु के बांदीपुर की ट्रैवल के लिए एक कार बुक की थी, जिनकी सर्विस बहुत ज़्यादा खराब थी। जब वो बेंगलुरु से बांदीपुर के लिए ट्रैवल कर रहे थे, तो आधे रास्ते में ही ड्राइवर ने उनसे पैसे मांगने शुरू कर दिए, और ड्राइवर का बिहेवियर और उनके बात करने का तरीका भी सही नहीं था। उसके बुरे बिहेवियर से परेशान होकर रास्ते में ही उनको गाड़ी से उतरना पड़ा और बाकी का ट्रैवल बस से करना पड़ा। जब वो बस में थे तो आगे का सफ़र तय कर रहे थे, बार बार उनके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, और वो बार बार यही सोच रहे थे कि ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको अच्छी कार सर्विस नहीं मिल पाती होगी, और उन लोगों के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा होगा जो उसके साथ हो रहा है। तभी उन्हें लगा कि उनके जैसे ही बाकी कस्टमर्स एक अच्छी कैब सर्विस की तलाश कर रहे होंगे जो उन्हें क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड करे, क्योंकि ज़्यादातर ट्रैवलर्स का एक्सपीरियंस खराब ही रहता था। इसी सोच को लेकर वो इस फील्ड में कुछ बड़ा करेंगे, उन्होंने ओला कैब कंपनी शुरू करने के बारे में सोचा। भविष्य जर्नी के दौरान समझ चुके थे कि कम दाम में एक अच्छा सर्विस देने से ही कंपनी को बड़े लेवल पर ले जाया जा सकता है, इसीलिए उन्होंने कुछ ऐसा सोचा जो कस्टमर्स को इससे अच्छा और कोई ना दे सके। 10 रुपये से 17 रुपये प्रति किलोमीटर की एवरेज से ओला अपनी बेहतरीन सर्विसेज देती है, और आज 70 से भी ज़्यादा शहरों में 1.5 लाख लोग हर रोज इस सर्विस का लाभ उठाते हैं। भविष्य अग्रवाल और उनकी पत्नी राजलक्ष्मी अग्रवाल ने फैसला किया कि वो कभी भी खुद की कार नहीं लेंगे और हमेशा ओला सर्विसेज का ही उपयोग करेंगे। एक अलग सोच से ही आदमी कामयाब बनता है, और इसका जीता जागता उदाहरण भविष्य खुद ही है। भविष्य पहले से ही IT फील्ड में थे, इसीलिए उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल इस तरह से तैयार किया कि कस्टमर्स को कार बुक करने के लिए या पेमेंट करने के लिए उनके ऑफिस ना आना पड़े। हालांकि शुरुआत में ऐसा नहीं हुआ। कैब सर्विस और टेक्नोलॉजी का कम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया रहा, क्योंकि इसके ऐप को इस तरह से बनाया गया था जिससे कस्टमर्स को सारी जानकारी मिल सके और ऑनलाइन ही वो बुक कर सके, रेटिंग और रिव्यू देख सके, और अपने फ़ोन के मीडियम से क्वालिटी की पूरी चेकिंग कर सके। भविष्य जैसे ही हटकर सोचने वाले उनके दोस्त अंकित भट्टी नवंबर 2010 में कंपनी में शामिल हो गए। उन्होंने भी उसी कॉलेज से IIT और MTech की डिग्री की थी। दोनों ने कंपनी साथ साथ रन करने के लिए सोचा और आगे बढ़ते गए। किसी भी बड़ी कंपनी का स्टार्टअप छोटे से ही शुरू होता है। जब कंपनी शुरुआत करने की सोची तो दोस्तों ने उनका मजाक भी उड़ाया, लेकिन जब आपके काम को पेरेंट्स ना समझे तो काफ़ी दिक्कत महसूस होती है, लेकिन जब काम बढ़ने लगे और पैसे आने लगे तो सबका दिमाग क्लियर हो जाता है। शुरुआत में माँ पापा को लगता था कि इतना पढ़ने और नौकरी छोड़ने के बाद कोई ट्रैवल एजेंट बनने का सोच रहा है, लेकिन उनको उस वक्त समझ पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ हटके करने से सभी लोगों की तरह घर वाले आपको पागल समझ सकते हैं, और इसमें उनकी कोई गलती भी नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे पैसे आने लगते हैं, उनको भविष्य के स्टार्टअप पर विश्वास होने लगा और वो समझने लगे कि लड़का आगे जरूर कुछ बड़ा करेगा। आज हर कस्टमर को अच्छी सर्विस चाहिए। वो अगर कम पैसे भी खर्च करें, लेकिन फिर भी उनको अपने पैसों से भी ज़्यादा अच्छी सर्विसेज चाहिए। वो अपने पुराने एक्सपीरियंस
और दूसरे कैब सर्विसेज के हालात को समझ चुके थे। वो जानते थे कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन कितनी जरूरी है, इसीलिए उन्होंने सभी ड्राइवर्स को कस्टमर सर्विस ट्रेनिंग दिलवाई और उन्हीं ड्राइवर्स को रखा जिनका रिकॉर्ड साफ था। आज इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी ओला देश में बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, कैब और ऑटो बुकिंग सर्विसेज देने वाली कंपनी बन चुकी है। ओला का स्मार्टफोन ऐप कैब बुकिंग के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। बिजनेस के लेवल को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ओला 3 साल में ही 1 अरब का आंकड़ा पार कर चुका है और आज की तारीख में अगर हम देखें तो इस कंपनी ने 100 से भी ज़्यादा शहरों में अपना काम शुरू कर दिया है। लग्जरी ट्रेवल्स के लिए ओला प्राइम, इकोनॉमिक महिला यात्रियों के लिए महिला ड्राइवर की ओला, ओला पिंक ट्रेवल के लिए ओला मिनी और सबसे सस्ती ओला ऑटो और कंफर्टेबल ट्रैवलिंग के लिए ओला सेडान, ये सभी गाड़ियाँ आज 1.5 लाख लोग हर रोज 10 से 17 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से ट्रैवल कर रहे हैं। भविष्य अग्रवाल कहते हैं कि सपने तो हर कोई देखता है, लेकिन कुछ ही लोग जोखिम उठाते हैं और कुछ ही लोग जोखिम उठाने के लिए तैयार रहते हैं। जब आप रिस्क उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो कई लोग सलाह भी देंगे, पर याद रखिए सपने उन्हीं के सच होते हैं जो सुनते सबकी हैं और करते अपने मन की हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थी ओला कैब्स और भविष्य अग्रवाल की स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।